इलाज के बाद पहली बार ऋषि कपूर ने बताया कैंसर से कैसी हो गई थी हालत। ऋषि कपूर लंबे समय से न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्हें कैंसर हुआ था, इलाज के बाद अब वो कैंसर फ्री हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। फैंस को ऋषि के भारत लौटने का इंतजार है। हाल ही में ऋषि ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैंसर के दौरान उनकी कैसी हालत हो गई थी। मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में ऋषि ने बताया, सभी को बताना चाहता हूं कि अब मैं पूरी तरह से कैंसर मुक्त हूं। मैं कुछ हफ्तों बाद भारत आ जाऊंगा। एक डेढ़ साल में मुझे चेकअप कराने आना होगा। जब मैं पहली बार यहां आया था तो सभी मेरे लिए चिंतित थे। मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा था तब पता चला कि मुझे कैंसर है। शूटिंग के लिए मुझे अपने बाल सफेद करवाने पड़े थे। इसके बाद मुझे स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं अपने डाई बालों के साथ ही यहां आया था। मेरी तस्वीरें देखने के बाद खबर आई कि ऋषि कपूर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वो न्यूयॉर्क में इलाज करवाने गए हैं। मेरे सफेद बालों को देख लोगों को लगा कि मैं बहुत बीमार हूं और जैसे रातों रात मेरे बालों में बदलाव आ गया हो। मेरे दोस्त जो मुझसे मिलने आते थे वो फोटो शेयर करते थे। तस्वीरें देख लोग कहते थे कि ऋषि कपूर की क्या हाल हाय गई है, वो कैसे दिखने लगे हैं। हफ्ते दर हफ्ते मेरी तबीयत में सुधार होता गया। 4 महीने में मेरा वजन 26 किलो घट गया था। मुझे भूख नहीं लगती थी। अब मेरा वजन 7 से 8 किलो बढ़ गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत पतला दिखूं, लेकिन मैं पहले जैसा भी नहीं होना चाहता। सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान का शुक्रिया। अभी मेरा इलाज चल रहा है। इलाज होने के 6 हफ्ते बाद मैं कहीं घूम सकता हूँ, खा सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ। इसके बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। मैं अभी भी दिन गिन रहा हूँ। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है।